आप सभी का स्वागत है EIS प्रिस्क्रिप्शन में और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई क्या पूरी जानकारी आज आप लोगों के लिए आई हुई है। पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे और ये जानकारी सभी छात्र छात्राओं के लिए है, मैं इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अलावा जितने भी छात्र छात्राएं पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो भी छोटी से बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए आती है और जो सही जानकारी होती है वो आप लोगों को दी जाती है, तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी आपके कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि न्यूज़पेपर में आज के दिन पूरी जानकारी आई हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो बातें बताई गई हैं कि 10 जून से फिर भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म, यानी कि जो पहले जो थी वो परीक्षा फॉर्म भरी जा रही थी, जो कि फरवरी से भरी जा रही थी, लेकिन फिर कोविड आया जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हुई और फिर परीक्षा फॉर्म भरने बंद हो गए थे। तब दोबारा से परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं और जैसे कि आप समझ सकते हो कि परीक्षा फॉर्म क्यों भराया जा रहा है, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय में जो परीक्षाओं को लेकर जो तैयारी चल रही है वो जुलाई के सेकेंड वीक से परीक्षाओं को लेकर तैयारी चल रही है, यानी कि विश्वविद्यालय अब अपनी परीक्षाओं को लेकर जो तैयारी है वो तेज कर चुके हैं। पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं कि किन की परीक्षाएं होंगी, किसकी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, और इसको लेकर अभी कई सारे सवाल जो हैं वो बने हुए हैं कि क्या सेकेंडर की भी परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, क्या फर्स्ट ईयर प्रमोट किया जा रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी नोटिस अभी किसी भी यूनिवर्सिटी की ओर से प्रमोशन को लेकर जारी नहीं किया जा रहा, और इसी की वजह से कई सारे जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। और इसी को लेकर कल जो ट्विटर पे अभियान भी चलाया गया था, जहाँ पे हैशटैग कैंसल यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर ट्रेंड भी हुआ था, आप लोग को पूरी बातें तो पता होंगी ही। तो लेकिन आज की जो पूरी जानकारी आई हुई है, जहाँ पे आप लोगों को बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर फर्स्ट ईयर प्रमोट हो रहा है नहीं हो रहा और सेकेंडरी की परीक्षाएँ होंगी या फिर नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए जो बताया गया कि प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रनोत करने और अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय ने छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने का एक मौका दिया, यानी कि यहाँ पे एक बातें तो क्लियर हो गई, जहाँ पे प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा जैसे कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑफिशियली नोटिस अभी तक जारी नहीं की जा रही यूनिवर्सिटी की ओर से। लेकिन फर्स्ट ईयर की परीक्षा करा पाना जितना लेट हो रहा उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएँ होती हैं और फर्स्ट ईयर की परीक्षा करा पाना आसान नहीं है, जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से फर्स्ट ईयर के छात्रों को तो प्रमोट किया जाएगा चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हों, बात फर्स्ट ईयर सिर्फ सेकेंड ईयर के छात्रों को लेकर। तो यहाँ पे परीक्षा फॉर्म से जो जुड़ी हुई जानकारी वो सभी के लिए तो नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं। लेकिन यहाँ पे जो रॉयल खंड विश्वविद्यालय के होंगे, आप लोगों के 10 जून से जो परीक्षा फॉर्म है वो दोबारा से भरे जाएंगे। लेकिन यहाँ तो यहाँ पे जो एक खास बात बताई गई जो कि सभी यूनिवर्सिटियों के लिए जानना जरूरी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ, जहाँ पे कहा गया कि परीक्षा और कॉपियों की जाँच साथ साथ चलेगी, यानी कि यहाँ पे जो बातें कही गई कि परीक्षाएँ भी होंगी और एक तरफ कॉपियों का जो जाँच है वो भी चलेगा, यहाँ पे क्या बातें कही गई थोड़ी पहले आप लोगों को वो बताते हैं, उसके बाद आपके मन में जो कई सारे जो सवाल हैं उन सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय जहां एक तरफ स्नातक यानी कि UG-PG की परीक्षाओं को तैयारी को लेकर आयोजन चल रहे हैं, तो वहीं पे दूसरी तरफ सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की कॉपियों की जांचने की भी तैयारी है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ शिक्षकों के सामने भी दोहरी चुनौती होगी, जब तक सेमेस्टर की परीक्षाओं की कॉपियाँ नहीं जांची जाएंगी तब तक मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, अगले सेमेस्टर में छात्रों को प्रवेश भी नहीं मिल सकेगा। विश्वविद्यालय ने मार्च में सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन कराया था, कुछ पाठ्यक्रम के कुछ प्रश्न पत्रों को छोड़कर अधिकांश परीक्षा आयोजित हो चुकी थी, कुछ दिन बाद मूल्यांकन होना था लेकिन कोरोना की वजह से लटक गया। अब शासन ने शिक्षकों से प्रशासनिक और शिक्षक कार्य कराने की अनुमति दे दी है, ऐसे में जल्द ही शिक्षकों का मूल्यांकन प्रक्रिया में लगाया जाएगा। हालांकि 15 जून तक विश्वविद्यालय की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश भी जारी है, तो ऐसे में कुछ दिन का और वक्त इसमें लगेगी। दूसरी तरफ शासन ने स्नातक यानी कि UG-PG की अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन के निर्देश दिए हैं, हो सकता है कि स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों की भी परीक्षा हो, लेकिन इसको लेके अभी संशय है। परीक्षाओं का आयोजन जुलाई के दूसरे सप्ताह से हो सकता है, उससे पहले शिक्षकों को प्रश्न पत्र भी तैयार करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त सभी यूनिवर्सिटी की एक ही बात है कि किस तरह से परीक्षाएं होंगी, किन की परीक्षाएं कराई जाएंगी, कब तक प्रश्न पत्र बनेंगे, किस तरह से आप लोगों के कॉपियों का जांच होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, इसमें सभी यूनिवर्सिटी इस वक्त बिल्कुल समान है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते होंगे। यहाँ पे एक बात कहा गया कि परीक्षा की तैयारी के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो सिर्फ अंतिम वर्ष के ही परीक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी जो पूरी बातें जो कि सामने आ रही है, जहाँ पे सेकेंडरी की भी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, लेकिन इसको लेके अभी संशय बना हुआ है। और यहाँ पे सेकेंडरी की परीक्षाओं के आयोजन को लेके कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के छात्रों के मन में जो सवाल होगा कि आखिर आप लोग प्रमोट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, तो देखिए फर्स्ट ईयर के छात्र वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सेकेंड ईयर की ही जो बातें हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं, और अंतिम वर्ष के छात्रों की तो परीक्षाएँ हो ही रहेंगी। जाहिर सी बात है कि अंतिम वर्ष भी, यानी कि पिछले वर्ष भी, जो कि कोविड का ही दौर था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी बातें गई थी कि प्रमोशन को लेकर अंतिम वर्ष को, लेकिन वहाँ पे भी जो बातें थी वो परीक्षा को लेकर हुई, और अंतिम वर्ष यानी कि पिछले साल परीक्षाएं जो थी वो अंतिम वर्ष की कराई गई थी, तो इस साल भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। बाकी सेकेंड ईयर प्रमोट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर बातें जल्द से जल्द क्लियर होनी चाहिए। अब जो बातें हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, और इसी को लेकर कल ट्विटर पे हैशटैग कैंसिल यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर ट्विटर पे ट्रेंड भी करवाया गया था। तो अब हो सकता है कि बातें जल्द से जल्द क्लियर हों और ऑफिशियली नोटिस भी जो है वो जारी किए जाएं। तो बाकी जो भी छोटी से बड़ी जानकारी आती रहेंगी वो आप लोगों को सही जानकारी देती रहेंगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें।